पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया भाई साहब। अभी एक साल हुआ हमारा, मार्च में हमने जो है शपथ ली थी, मार्च में ही स्कूल जो है उसका सिलेबस खत्म होता है, नया जो शुरू होता है सेमेस्टर। एक साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा, और हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है तीसरा बैच गया हुआ है अभी 72 प्रिंसिपलों का सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए, फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, IIM अहमदाबाद में गए हुए हैं। हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के, चंद्रयान जब अभी श्री हरिकोटा से छोड़ा गया, हमारे पहली बार हुआ कि हमारी स्टेट के 50 सरकारी स्कूलों के बच्चे उसको लाइव देखने गए थे, वहां भेजे थे हम, और आके बच्चों ने बताया हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अगर हमें यहीं इतना कुछ मिल रहा है तो अमेरिका कनाडा कैंसल, हम यहीं रहेंगे। तो भाई साहब नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा में हमने क्या किया, 12,710 टीचर जिनको कच्चे अध्यापक बोलते थे, मतलब वो ठेके पे रखे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, पक्के नहीं थे, हमने 12,710 टीचरों को तिगनी, 3 गुना लगभग उनकी तनख्वाहें करके उनको पक्के किया है। 58 साल की रिटायरमेंट होगी, 58 साल पे रिटायर होंगे, सभी छुट्टियां उनको मिलेंगी। महिलाओं के लिए जो जो बच्चा जब पैदा होता है तब छुट्टी लेते हैं 2 महीने की, कुदरत जो है वो उसका नियम है, वो भी उनको मिलेगी, पहले मिलती नहीं थी, पहले नहीं मिलती थी वो छुट्टियां, तो मतलब वो भी तो इंसान है ना, और हमारे देश के ही लोग हैं वो, क्या कच्चे पक्के, ये नेता कच्चे पक्के क्यों नहीं होते, ये तो पक्के पक्के ही होते हैं बस, टीचर कच्चे पक्के होते, ये अपनी गद्दियों पर पक्के पक्के बस, और उसके बाद इनके बच्चे पक्के पक्के, तो ये तो आगे पीढ़ियों तक चलते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब आम आदमी का जमाना आ गया। आप में से, आप पंजाब में हमारे 28 साल के, 26 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां MLA बन गए, और हराया किसको, दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। ये लोग हैं, ये पब्लिक है, लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, पंजाब में 660 हो गए, अब 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी एक साल में, एक साल में, क्योंकि दिल्ली ने तजर्बा किया हुआ था ये, हालांकि उनको बहुत टाइम लगा 600 तक जाने में, दो साल लगे थे, लेकिन हमें इनका तजर्बा इस्तेमाल किया हमने, तो हमने कुछ महीनों में ही, पिछली 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को हमने 76वां आजादी दिहाड़ा मनाया, 76 आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं, और उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक में आके ठीक होके घर चले जाते हैं वापस, पैसा, एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। फिर स्वास्थ्य के बाद तीर्थ यात्रा की गारंटी है, दिल्ली में चल रही है, अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था सर को, तो ट्रेन जाती है, जहां भी जाना है तीर्थ यात्रा पे, वो दिल्ली की सरकार की तरफ से ट्रेन जाती है, आपने भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, साधन नहीं है किसी के पास, किसी के पास कोई मौका नहीं बनता, तो सब जाओ इकट्ठे होके, ये तीर्थ यात्रा की गारंटी दिल्ली में पूरी कर चुके हैं। पंजाब में हम हर रोज, पंजाब में भी जो है, पंजाब से नादेर साहब, हजूर साहब, पंजाब से पटना साहब, पंजाब से मणिकर्ण, पंजाब से नैना देवी, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नतमस्तक होने के लिए, उनके लिए भी हमारा जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि हमने गारंटी दी है।